में ना थोड़ा सा बटर का तड़का मार देते तो और मजा आता। इसमें तड़का मारोगे? इसमें मिसल में। अरे 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 देखो। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, मिलती हूँ आपसे आगे। गुड मॉर्निंग मुंबई दोस्तों, हमने नहा धो लिया है। लक्की भी हमारा नहा धो के मंजन करके फ्रेश हो गया। और एक बात बताएं, मैडम कह रही थी नहा धो लिए हो, मिसल पाव जाके ले आओ, मिसल पाव खाएंगे। हमने कहा अच्छा। हमने पूछा कितने पाव खाओगी, कहती कम से कम 3 पाव तो खा लेंगे। तो हमने कहा मिसल पाव आएगा नहीं, मिसल पाव बनेगा। तो हमने देखो काम पे लगा दिया। काम पे लगाया रहो, ये आदमी मेरा 2 मिनट का सुख नहीं देख सकता है। अरे ये जिस फालतू का काम था, मैं खाली वहां से ले आते तो खाना लेते आराम से। ये देखो दोस्तों, ये देखो गाइस, हमने मिसल बनवा दिया, घर पे भी पक रहा है। ढक दो इसको, उसको पकने दो अभी स्लो मोशन में, तब तक चाय पीते चल के। मेरे ये दिखाओ चाय। देखो हमने घर पे ही मिसल बनवा दिया, बाहर जाते 150 रुपए लेता एक मिसल का, 2 मिसल लाते 300 रुपए ले लेता। 300 रुपए बचाए नहीं बचाए, पैसे इतने बचा बचा के क्या करोगे? 300 रुपए में 10 किलो आटा आएगा आराम से, जो खाओगी 15 दिन। और मैंने ये कुल्हड़ ले लिए, तुमको तो बड़ी तकलीफ हो 70 रुपए के। हाँ तो कूलर में तकलीफ होगी ना, इसको पी के क्या धो के रखोगे, फेंक के रखोगे, क्या बोल बताओ। एक बार पीना है और क्या, बार बार पीना है क्या? कूलर में एक ही बार चाय पी जाती है तो कूलर वाली चाय 15 रुपए की तुमको पिला देते, चाय भी मिल जाती है। हमको पड़ गया 100 रुपए का कूलर, इसमें दूध भी डाला और चाय पत्ती चीनी सब डाल के इसको हमने बनाया है। वो तुमको नहीं देखा, पैसे मत बचाओ हमारे। तुम्हारे चक्कर में हमारा गला खराब हो गया है। अच्छा इससे पैसे हमें उड़ा रही हो, पैसे दबाओ। हाँ गला दबाओ हमारा। अरे दोस्तों मेहनत हम करते हैं, मैं पैसे बचाओ। हम मेहनत नहीं करते, हमको सुकून मत दो, थोड़ा सा भी आराम मत दो। देख लिया कि हाँ आज कुछ काम नहीं है तो चलो इनको लगा दो मिसल पाव बनाने के लिए। कौन सा काम है तुम्हारे पास? अरे कहाँ से कहाँ, हमने तुमसे बोल दिया कि मिसल ले आओ जाकर। कौन सा खाओगे शाम को? अब दोस्तों जो खाने के लिए बोलेंगे ना, हम घर पे तैयारी करवाएंगे, बहुत बढ़िया बनता है और पैसे बचते हैं। चाय पी लेते थोड़ा गला खराब है, ठीक कल से थोड़ा ठीक है गला, पर चाय पी लेते थोड़ा। देखा मेरे को नहीं मिलने देंगे है ना, तुरंत कट कर दिया है ना। हम जैसे ही मैंने ऐसे हाथ लाया हेलो बोलने के लिए, मतलब इतनी तुमको जलन होती है कि हम बात न करें। तो मैं भी बता दूं, हाय दोस्तों, हेलो, गुड मॉर्निंग। और मैं भी आज नहा धोकर के रेडी हो चुकी हूँ। उसके बाद में मस्त, मेरा इरादा तो कुछ और था कि मस्त रेडी शेडी होकर के नाश्ता करूंगी गर्मा गर्म, लेकिन घर में बना के खाना पड़ रहा है। तो अभी देखो रेडी सेडी होके इरादा मतलब क्या यार, लेकिन एक प्रॉब्लम ये, इसको हम पकड़ेंगे कैसे? कूलर वाली चाय, कूलर वाली चाय। पंखा नहीं चलेगा, मौसम ठंडा है, रात भर एसी चला के सोई हो। अरे यार देख रहा हूँ तुरंत किचन से निकल कर आए लोगे तो पसीना आ रहा है मेरे। कहाँ पसीना आ रहा है, पसीना दिखा हमको। अरे हमें टी शर्ट में पोछोगे और खर्चा बढ़ा के धोने का तो क्या करे फिर? रुमाल लेके रुमाल उमाल नहीं, देखो इसको पकड़ के पिए कैसे, थोड़ी गर्म लग रही है। ले तो लिए 70 रुपए, 70 रुपए चाह लाई हुआ। नो नो नो, पकड़े कैसे यार, लोग इसको कैसे पीते पकड़ के? कैसे पियो जैसे कुकुर पे कैसे? नो नो नो, हमको पकड़े आवत है यार, बहुत गर्म लग रहा है, हम पिए कैसे दोस्तों? ये कुल्हड़ वाली चाय से कैसे पिए यार, बहुत गर्म लग रहा है। हमें तकलीफ ये नहीं हुई तुम 70 रुपए का लाई हो, हमें तकलीफ ये हुई कि साला इसमें कुल्हड़ का टेस्ट भी नहीं आएगा। ये पता नहीं ये अलग ही कूलर है, हमारे गांव में जो कूलर देते हैं 2 रुपए की चाय, वो बड़ा बढ़िया कूलर रहता है, उसमें टेस्ट आता है। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हम वो पी के देख कब कहाँ आ रहा बता रहे हो उसका। हमका नहीं आवा, आपको खाली चाय आई, आ रहा आ रहा बता रही कोई सका तुम्हारा रास्ता मुँह अभी चला हुई हूँ। मेरा वाईफाई ज्यादा तेज है ना, देखो हमने वाईफाई लगवाया तो आ जाएगा, तुम कैसे मोबाइल डेटा यूज करते हो, धीरे धीरे आएगा। देखो यही इसको हम खिला रहे थे खाना, नहीं खा रहा था, ठीक है। अब देखो मैडम के हाथ से खा ले रहे, हमें हाथों में क्या कांटे लगे थे? कांटे लगे था, हम भी तुमको खिला ही रहे थे ना हाथ से। इतना नालायक है ना, इतना नालायक है, खाना रख दो 5 घंटा रखा जाएगा, खाता ही नहीं है। और नालायक बनाया किसने? मैडम ने। मैडम भी नालायक है, मैडम का कुत्ता भी नालायक है, दोनों एक ही जैसे।
साला हम घर में रहेंगे 6 बजे आके इधर 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 खलबा खलबा करेगा, बोलेगा लेके चलो। और जब हम कभी घर पे नहीं रहेंगे तो मैडम के साथ आराम से 11 बजे तक दिन में सोया करता है, फिर नहीं इसको लगता है लैट्रिन पुत्र फिर नहीं आती क्या तुमको? देखो लगाया इनको मैंने काम पे, मैंने बोला सेको पाव को बटर में, तो कहते हैं बटर से नहीं सेकना है तेल से सेकना है, तेल से पाव सेके अच्छे नहीं लगते हैं। घर में खाओगे मिसल, थोड़ी मेहनत करो, कैसा लग रहा है? अच्छा दाल जल्दी खा ली, ऐसी तवे में ही हिला हिला के सेक रहे हो घुमा घुमा के, दिखा बटर डाल डाला इसमें बटर डाले। अरे ये पाव सेकने को जो बोला है बटर में बोला, दिया मैंने तुम्हें बटर नीरज, तो रखे रखे क्या करना है? और शिट हम एक चीज और भूल गए, उसमें मिसल में ना थोड़ा सा बटर का तड़का मार देते तो और मजा आता। इसमें तड़का मारोगे? इसमें मिसल में, मिसल में कौन तड़का डालता है? अरे नीरज बहुत अच्छा लगता है। अरे 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 देखो ये क्या तरीका है, उसी दौरान जो बटर वहां से नहीं उठेगा। ना तो रुक जाओ 5 मिनट रुको, तड़का मार के फिर तुमको देते हैं। नहीं नहीं हम ऐसे खाएंगे। अच्छा अरे यार हमने गलती कर दी, मुझे पहले कर देना चाहिए था। कैसे है ना इनके सामने कुछ मत करो, जो तुम्हारा मन अकेले में कर लो, जान ना पाए तो बाद में खाएंगे। बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तू कभी पूछा करते हो कैसे बनाया कैसे बनाया। आप दोस्तों कभी भी मेरा रेसिपी व्लॉग आप देखना जा करके पीछे पड़े होंगे, जब भी कोई चीज खाएंगे ना तो खाने के बाद पूछेंगे कैसे बनाया, कि इसीलिए पूछा करते हो कैसे बनाया। तो इनको मैं बताऊं से मैंने क्या क्या डाला तब इनको पता चले। आज तुम्हारी ये देखो अच्छा हुआ मैंने ये चीज बोली, ध्यान आया मेरे दिमाग में तुम्हारी ये चालाकी आई है। तभी साला आप सोचे इतना पैकेट बड़ा करके लाते हैं कहां से लाता है, ऐसे कहीं पे भी डाल देती हो कहीं पे भी, या खाने के लिए खाली ब्रेड में डाला जाता है और पाव भाजी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हां ब्रेड में खाया जाता है और पाव भाजी में पड़ता है, मिसल में मटर को डालता है। चलो हटो। अरे कभी तड़का मारो अच्छा लगता है, इन्हें क्या पता। आप कभी भी मिसल बनाओ घर में ना तो तड़का मारना किसी, अगर ये पहले खाएंगे ना फिर पूछेंगे कैसे बनाया, जब खाएंगे मैं आपको इनका रिव्यू दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने घर बनाया है घर में गर्मा गर्म मिसल, और ये देखिए मैंने उसका जो स्नैक्स होता है ना साइड में फरसान डालते हैं, प्याज है ओनियन है, और ये है जो एक्स्ट्रा करी देते हैं, और साथ में ये है पाव। यार देखो लगाया नहीं है बटर, तुमने हमको बेवकूफ बनाया नीरज। बेवकूफ चक्कर नहीं बनाया, हमने एकदम सही बनाया है। इसको ऐसे खाते हैं, इसको ऐसे मिला खाते हैं, चम्मच तो हाथ से खा लो, चम्मच जूठा होएगा, इसको धोओगे साबुन लगेगा। यार बड़ी हद कर दी है तुमने, हाथ से खा लो ऐसे ऐसे में वो डाल लो प्याज डाल लो ऐसे में नींबू निचोड़ लो ठीक उंगली से मिला लो। उंगली से क्यों मिला रहे हो, इससे ही फिर कम से कम मिला लो। हाय कंजूस आदमी, ऐसे खा लो, थोड़ी सी करी और डालो, डाले डालो देखिए चम्मच का पैसा बचाओ फालतू माजे पड़ी। ऐसे बढ़िया मिला लो। मजा आ गया, जैसा वहाँ मिलता है वैसे ही बना नीरज। अरे वो लोग कहाँ बना पाएंगे ऐसा, यार चढ़ा तो नहीं रहे तुम हमको घर में बनवाने के चक्कर में। बनाया तुमने फिर मैंने पूछा कैसे बनाया तुमने, बराबर क्या बनाया? थोड़ा सा घी डाला था इसमें महक लाने के लिए, घी डाला था। तुमको पता हमको घी पसंद है, चलो बार बार ना तुमको बताए। और ये बोल रहे सही बताओ ये चढ़ा तो नहीं रहे हो तुम हमको घर में बनवाने के चक्कर में। अरे बहुत बढ़िया बना। हाँ एक नंबर, चलो फिर तो सफलता मिल गई। डोसा भी पसंद है ना? हाँ शाम को खाओगी? कहाँ वहाँ चल के बीकानेर में खाओगी डोसा? हाँ फिर शाम को डिनर नहीं बनाएंगे? हाँ डिनर नहीं बनेगा। हाँ तो हम डोसा बनाने का मेटल लेके आएंगे। तुमने बोला डोसा खाओगे, हमने खाना आज से छोड़ दिया डोसा। डोसा हमारा फेवरेट डोसा है, मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा, चीज मसाला डोसा, इतना कौन ताम झाम करेगा यार। हम लेके आएंगे, मस्त नहीं खाएंगे बाहर। नहीं नहीं रहने दो, हम नहीं बनाएंगे। अरे खा लो यार बढ़िया बनाते हैं, तुम खा लो हम भी। अच्छा, चलो खा के देखो बहुत बढ़िया बना है। हाँ मेरे में तो डाला नहीं। हाँ बहुत टेस्टी बना। उसमें यार ये तो वैसे लग रहा है मुझे वहाँ खाया था, वहाँ वाला भी बना, मलार वाला। मैंने पहली बार बनाया दोस्तों, तुम बहुत अच्छा बनाया, मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी पक्का। तो दोस्तों व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, अभी मैं बना रही हूँ लंच, लंच में है पालक पनीर, मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।